सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार को न्यूजीलैंड से टीम का सामना होगा। भारत को वर्ल्ड कप में सिर्फ एक हार इंग्लैंड के हाथों मिली है। ऐसे में टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भले ही वर्ल्ड कप में अधिक मैच खेलने का मौका न मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को खासा प्रभावित किया। शमी इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम ओवर में 3 लगातार विकेट लेकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 4 मैचों में 14 विकेट लेने वाले शमी को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। मोहम्मद शमी के टीम से बाहर होने पर भारतीय दिग्गज ने सवाल खड़े किए, तो वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ बता दिया। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ने टीवी शो के दौरान कप्तान विराट कोहली पर दबाव में आकर शमी को बाहर करने का आरोप लगाया। जी हां, पाकिस्तान एक्सपर्ट ने कहा श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी को जानबूझकर प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। विश्वास करना मुश्किल है कि कोई खिलाड़ी 4 मैचों में 14 विकेट झटके और टीम उसे अगले मैच में प्लेइंग 11 से बाहर कर दे। शमी को टीम में शामिल नहीं करने की कोई वजह नहीं थी। टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला बीजेपी के कहने पर लिया है। बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े और यही कारण है कि शमी को दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में बेहद कम मौके दिए जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।